सोसाइटी हेल्प ग्रुप द्वारा लगातार पिछले 20 दिनों से बाढ़ ग्रसित इलाकों में जाकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गोपालगंज के कई गांव बाढ़ से तहस नहस हो गए हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को अपने जीवन को जीने में काफी दिक्कत आ रही है। इस टीम द्वारा लगातार वाहन से जाकर उन तक मदद पहुंचाने का काम हो रहा है। लोगों के बीच वस्त्र, चूरा, मीठा अनाज, बिस्किट, नमकीन, केला, पानी सहित कई अन्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। ग्रुप के अध्यक्ष अनमोल कुमार ने बताया कि जब तक बाढ़ की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक लगातार जितना हो सके बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का काम करती रहेंगी। मौके पे प्रिंस कुप, दीपू कुप, सूरज कुप, आशीष रंजन, अभिनंदन तिवारी, सुभाष कुप, सुमित कुप, नीतीश कुप, अंशु कुप, शुभम कुप मौजूद रहे। देखा जा रहा है कि आप लोग ये सोसाइटी हेल्प ग्रुप की ओर से कार्य कर रहे हैं, क्या क्या आप लोग के तरफ से व्यवस्था किया गया? देखा जा रहा है कि जिस तरह बिहार में बाढ़ से बहुत ही ऐसे बहुत सारे गांव है जो बहुत ग्रसित हो चुके हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही है। हमारी टीम लगातार प्रयास है कि गोपालगंज आपको जिला में जो छोटे छोटे गांव है वहां पहुँच कर बाढ़ ग्रसित बाढ़ से परेशान लोगों की मदद की जा सके। आज हमारी टीम लगातार फिर 3-4 बार से लगातार ये कार्य कर रही है। आज फिर से ये टीम तैयार है, लोगों की मदद के लिए जा रही है। अभी मेरी गाड़ी रवाना हो रही है ताकि लोगों की मदद पहुँचाई जा सके। देखा जा रहा है कि बाढ़ की वजह से वहाँ पर अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुका है, लोगों को अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने को मजबूर है। हमारी टीम का लगातार प्रयास है कि जैसे जैसे भी हो लोगों की मदद पहुंचाई जा सके। आज हम अपने सिवान से अभी तक आप किस किस इलाके में अपने द्वारा राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर चुके हैं? अभी तक हमारे गोपालगंज के बरौली गांव में, आप मिर्जापुर और छोटे छोटे कई उससे सटे गाँव है वहाँ पर मेरा कार्य टीम कर चुका है। आज भी हमारी टीम का प्रयास है कि उससे ही निकट जो अन्य गाँव है जो पिछले बार हमसे छूट गया था उस गाँव को कवर करने का कार्य होगा। उसके बाद और हमें जानकारी मिलेगी, बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि इस जगह पर ये परेशानी है, इस जगह पर ये परेशानी है, उसको हम मैनेज कर उस जगह हम जाकर कार्य करेंगे। आगे आप किस तरह से और मतलब जो है किस कितने दिन तक ये कार्य करने के लिए सोच रहे हैं? जब तक बिहार में बाढ़ की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमारी टीम निरंतर कार्य करती रहेगी, क्योंकि हमारी टीम एक दिन की नहीं बनी है जो एक दिन काम करके सीमित हो जाए। हमारी टीम का काम है कि लगातार कार्य करते हुए हमेशा चलती है। जी आपका शुभ नाम? अनमोल कुमार अध्यक्ष।